हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड लीवर। कंपाउंड लीवर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो पढ़ाया है वो सिंपल लीवर पढ़ाया है। कंपाउंड लीवर सिंपल लीवर मैंने ये पढ़ाया था, जिसमें हम एक लीवर का इस्तेमाल करते हैं, एक फलक्रम का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सिंपल लीवर बोलते हैं। और जो कंपाउंड लीवर होते हैं उसमें नंबर ऑफ सिंपल लीवर जो हमारे पास है ज़्यादा होते हैं। जो लीवर होते हैं सिंपल लीवर की अपेक्षा इसमें लीवर भी ज़्यादा होते हैं और फलक्रम भी इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको ये डायग्राम है, एक बी डायग्राम है, ये कंपाउंड लीवर का डायग्राम है। कंपाउंड लीवर में क्या होता है कि दो हमारे पास इसमें लोड लगे रहते हैं, और दो मतलब एक से ज़्यादा रहते हैं, दो तीन चार पाँच अलग अलग टाइप के बहुत प्रकार के हो सकते हैं इसमें। इसको हम कंपाउंड लीवर बोलते हैं। जैसा कि हमारे पास एक ए और बी एक लीवर दिया हुआ है, जिसमें फलक्रम F1 लगा हुआ है, इसका एफोर्ट लग रहा है कौन सा, पी। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर एक लीवर ये दिया हुआ है, कौन सा, सी और डी के बीच का, इसमें फलक्रम F2 है, फलक्रम F1 ये फलक्रम F2 है, इसमें हमारे पास W लोड है। तो आप इसमें देख रहे होगे सिंपल लीवर में हमारे पास एक ही लीवर था और उसमें फलक्रम हमारे पास एक था और इसमें हमारे पास फलक्रम दो है, F1 F2। इसी टाइप से बी डायग्राम है, बी डायग्राम में हमारे पास एक ए बी लीवर है, इसमें फलक्रम F1 है, एक सी डी लीवर है जिसमें फलक्रम F2 है, और एक ई जी लीवर है जिसमें फलक्रम F3 है। तो जिसमें हमारे पास एक दो तीन फलक्रम हैं और तीन अलग अलग टाइप के लीवर हैं, इसलिए इसको भी हम कंपाउंड लीवर बोलेंगे। तो इसमें हमारे पास ए और बी फलक्रम F1, सी और डी इसमें फलक्रम F2, और ई और जी जो है फल लीवर इसमें F3 है फलक्रम, और इसका लोड लग रहा है W। ये आपको दिया कंपाउंड लीवर। कंपाउंड लीवर में हम जब निकालते हैं, इसमें कंपाउंड लीवर में इसमें लीवर जब लेवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास लेवरेज निकालने के लिए हमारे पास लेवरेज ऑफ लीवर, फर्स्ट लीवर का लेवरेज निकालेंगे और सेकंड लीवर का लेवरेज निकालेंगे। इस टाइप से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हमारे पास लीवर है उनका सबका लेवरेज निकाल करके हम इसमें इसका कंपाउंड लीवर का लीवर निकालते हैं, लीवर का एवरेज निकालते हैं। ये कंपाउंड लीवर होता है। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन, इसका कंपाउंड लीवर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अ कंपाउंड लीवर शोन इन फिगर इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ हैवी लोड W। एक आपको कंपाउंड लीवर का डायग्राम दिया हो जिसमें आपको डायमेंशन सबके दिए हुए हैं। उसके बाद आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ W, W की वैल्यू निकालना है। इफ एन एफोर्ट पी ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट ए, ए पॉइंट पर जब हमारे पास पी अप्लाइड लोड हो रहा है उसका 100 न्यूटन दिया है एफोर्ट, इसके अबाउट हमको निकालना है इसमें W की वैल्यू। क्वेश्चन दिया है ए और बी का लीवर है, इसमें फलक्रम F1 लगा हुआ है, ये पी लोड एफोर्ट लग लोड लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास इसका F1 से ए के बीच का जो लेंथ है वो 175 है, और ये F1 से बी के बीच का वो 25 है, और इसकी जो लेंथ है ये 125 है, और इसके बाद ये जो सी और डी के बीच की लेंथ है 275 है, और डी और F2 की लेंथ है वो 25 है। यहाँ पर W लोड लग रहा है। ये आपको दिया हुआ कंपाउंड लीवर का डायग्राम। कंपाउंड लीवर में आपको इसमें क्या निकालना है, W की वैल्यू की, लोड इसमें कितना लग रहा है। फिर फलक्रम इसमें F1 फलक्रम F2 दो लीवर है, इसलिए ये कंपाउंड लीवर का क्वेश्चन है। लीवर का अगर डायग्राम दिया हो जिसमें हमारे पास एक ही फलक्रम एक ही लीवर दिया हो, वो मतलब सिंपल लीवर का क्वेश्चन है, जिसमें एक से ज़्यादा फलक्रम और उसमें लोड भी ज़्यादा दिए हो, तो वो हमारे पास कंपाउंड लीवर का क्वेश्चन है। इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन दिया हुआ है एफोर्ट पी इक्वल टू 100 न्यूटन। आपको इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पी दिया है हमारे पास, एफोर्ट लोड दिया है 100 न्यूटन, बाकी इसका लेंथ दी हुई है आपको। ये सब लेंथ के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द लीवर वी फाइंड दैट द लीवरेज ऑफ द अपर लीवर ए बी, ए बी का लीवरेज निकालेंगे। ए और बी जो लीवर है इसका लीवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए एफ वन अपॉन बी एफ वन, जो लेंथ है लीवर का इसका करेंगे ए एफ वन अपॉन बी एफ वन निकालेंगे, तो ए एफ वन कितना है 175 और बी एफ वन कितना 25, तो 175 अपॉन 25 आ जाएगा 7। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार एंड लीवरेज ऑफ द लोअर लीवर सी एफ टू लीवरेज है इसका लीवर है, इसका लीवरेज निकालेंगे, इसका लीवरेज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CF2 अपॉन DF2, दोनों की लेंथ का रेशो निकाल लेंगे तो CF2 अपॉन DF2, CF2 कितना है, CF2 है ये C से D तक का डायमेंशन 275 और D से F2 का डायमेंशन है कितना 25, तो ये हमारे पास C से F2 का डायमेंशन कितना हो जाएगा, पूरा मिला जाएगा, तो 275 प्लस 25 अपॉन DF2 हमारे पास कितना 25, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन फर्स्ट एक क्वेश्चन सेकंड, लेवरेज निकला ए बी का और एक लेवरेज निकला सी डी का, सी हमारे सी एफ टू का, तो हमारे पास ये एक 7 आया एक 12 आया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। टोटल लेवरेज ऑफ द कंपाउंड लीवर, अब जितने भी हमारे पास लीवर हैं सबका हमको लेवरेज निकालना पड़ेगा पूरे कंपाउंड लीवर का। हमारे पास जैसे दो लीवर हैं तो दो का तीन है, तो तीन का इसमें हमारे पास दो दिए हुए, इसलिए दो का निकालेंगे। फर्स्ट का 7 था ये वाले का,
और सेकंड का हमारे पास जो ये वाला था इसका हमारे पास कितना 12 था, तो 7 इंटू 12 ये आ जाएगा 84, टोटल लेवरेज निकल आएगा 84 क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद वी नो दैट द टोटल लेवरेज, टोटल लेवरेज आ जाएगा हमारे पास 84 इक्वल टू लोड अपॉन डब्ल्यू अपॉन पी, डब्ल्यू अपॉन पी आ जाएगा मतलब लोड अपॉन एफर्ट, तो डब्ल्यू अपॉन पी आ जाएगा तो 84 इक्वल टू डब्ल्यू, पी कितना है हमारे पास 100 दिया हो तो पी, पी की वैल्यू हम 100 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा 84 इंटू 100, तो 100 इंटू 84 आ जाएगा तो 8400 न्यूटन, इसको हम 8.4 किलोमीटर से नोट करेंगे तो ये लोड निकल आएगा। इस टाइप से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये कंपाउंड लीवर का क्वेश्चन है। कंपाउंड लीवर के क्वेश्चन में हमको एफर्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम लेवरेज, हमको जितने भी लीवर दें उनका लेवरेज निकालना पड़ेगा, उसका लेवरेज निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो लेंथ है लेंथ का रेशो निकालते हैं, जो हमारे पास फलक्रम से लेकर एफर्ट तक का लोड है उसका एफर्ट तक का लेंथ है वो रखेंगे, और फलक्रम से लेकर के जो जॉइंट तक का लोड है वो भी हम उसका हम लेंथ है उसको रख लेंगे। तो ए वन अपन बी ए बना तो 175/25 आ गया। इसी टाइप से लेवरेज और लोवर सेकंड वाले लीवर कर लेंगे, जो हमारे पास जहाँ फलक्रम, फलक्रम से जॉइंट तक का, इसका फलक्रम से लोड तक का रेशो, तो फलक्रम से जॉइंट तक का कितना है 275/25, और फलक्रम से लेकर लोड तक का कितना 25, तो 175/25/25 12 आ जाएगा। जब टोटल लेवरेज निकालेंगे तो टोटल लेवरेज आ जाएगा हमारे पास 7 × 12, तो ये 84, इसको टोटल लेवरेज निकालेंगे तो 84 इक्वल टू डब्ल्यू वन पी, इसको लोड निकालेंगे 100 × 84 = 84 न्यूटन, 8.4 किलो न्यूटन। इस टाइप से हम कंपाउंड लीवर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।